लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें फाइव टाइप्स ऑफ लिमिटेशन है. फर्स्ट, इट इज अननेसेसरी, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लिकेटेड. द सिस्टम इज ऑफ नो यूज टू अ मोनोपोलिस्ट. द कॉस्ट अराइव्ड एट बाय अ कॉस्ट सिस्टम इज नॉट एक्सेट. इट इज अननेसेसरी, यानी कि बिन जरूरी. इन द सेंस दैट ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड इन द पोस्ट विदाउट द एड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. द आर्ग्यूमेंट शो द इग्नोरेंस ऑफ द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट डे cutthroat competition. The selling price should neither to be high so as to drive away customer, nor too low to incur losses. इसका मतलब है कि जो कॉस्ट अकाउंट की पद्धति सिस्टम है वो बिन जरूरी है. बिकॉज पास्ट में कॉस्ट अकाउंट सिस्टम के बिना बिजनेस या इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ था. ये कॉम्पिटिशन के जमाने में सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उससे सेल्स में घट आती है. और सेलिंग प्राइस लो भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे बिजनेस में लॉस होता है. इसीलिए बिजनेस में सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसके बाद एक्सपेंसिव, यानी कि खर्चा. अनदर इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट अगेन कॉस्टिंग इज दैट इट इज एक्सपेंसिव. Again, this argument does not stand the test of logic. Expense do increase when a costing system is introduced, but the benefit available would far exceed the cost of introducing and operating the system. If the peculiar problem of business are studied in details and of advice, an assistant of technical staff is obtained, then it would not be expensive but would prove to be a profitable investment. ये जो cost accounting है वो बहुत ही expensive है, ऐसी argument करने में आती है. But ये argument सही नहीं है. But ये system है वो ऐड करने से एक्सपेंस हाई होता है, बट उससे कई सारे फायदे यानी कि प्रॉफिट भी हमको मिलता है. उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि गुंजवड़ा युक्त. अ कॉस्टिंग सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट इजीली अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन. एन एवरेज एम्प्लॉय डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉस्ट अकाउंट एंड हैंस द सिस्टम वुड नॉट प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल. However, it must be said that this difficulty can be easily removed if only proper training is given to employees before introducing the system and the forms and statement are designed as simple as possible. इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. कॉस्ट अकाउंट सिस्टम वो कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि वो सामान्य इंसान है वो उसको इजीली समझ नहीं पाता. यानी कि नॉर्मल वर्कर्स उसको समझ नहीं पाते, और वो समझ नहीं पाते उसी से वो उससे पूरा लाभ भी नहीं उठा पाते. बट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐड करने से पहले वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए.
और उसको इस सिस्टम से वाकिफ करना चाहिए, सिस्टम से उसका इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और इसीलिए उसकी ये इम्पोर्टेंट वो नहीं समझ सकता, इसीलिए वो उसकी कॉस्ट अकाउंट की मर्यादा लिमिटेशन है कि वो ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद द सिस्टम इज ऑफ नो यूज टू अ मोनोपोलिस, यानी कि ये इशारा युक्त इंडस्ट्री के लिए बहुत ही भिन्न जरूरी है, बिकॉज एस ई डज नॉट हैव टू फिक्स हिज सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ही इज फ्री टू चार्ज हिज मोनोपोलिस्टिक प्राइस। इट इज आर्ग्यूड अगेंस्ट दिस दैट अ मोनोपोलिस हैज ऑल्सो सर्टेन लिमिटेशन एंड इफ ही इज रेज हिज प्राइस बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल देर वुड बी अ टेंडेंसी टू रिप्लेस हिज प्रोडक्ट बाय सब्स्टिट्यूशन। इजारेदार को ये पद्धति यानी कि ये सिस्टम की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको तो जो अच्छा लगता है, जो प्राइस उसको अच्छी लगती है, जो प्राइस उसको अनुकूल आती है वो रखता है। बट इकोनॉमिक्स जानता है कि इजारेदार ज्यादा कीमत नहीं रख सकता, यानी कि सेलिंग प्राइस ऐसी रखनी चाहिए जिससे हमें योग्य प्रॉफिट मिलता है। उसके अलावा उसके अवेज की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऐड हो जाती है, और ऐसा भय हमको हर रोज रहता है। उसके बाद द कॉस्ट अराइव्ड एट बाय अ कॉस्ट सिस्टम इज नॉट एग्जिट, यानी कि गलत डिसीजन से, रॉन्ग डिसीजन से अनुकूल यानी कि प्रतिकूल इफेक्ट। The cost arrived at by a cost system is not exact, and it included a number of estimate, यानी कि ये जो cost account system है उसमें रहनी कुछ खामियों की वजह से जो निर्णय, जो decision हम लेते हैं वो कई बार प्रतिकूल असर भी दर्शाते हैं। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज ऑलवेज आर्बिट्ररी, यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट, दस कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज नेवर एब्सोल्युटली ट्रू फैक्ट। हम कई एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही अनसक्सेसफुल रही है, बट उसके अनसक्सेसफुल के रीजन्स है, यानी कि कोई अन्य रीजन्स भी जवाबदार हो सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो सही इस्तेमाल नहीं किया तो उससे बहुत सारे गलत रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। उसमें इंस्ट्रूमेंट का कोई दोष नहीं है, बट इंस्ट्रूमेंट का यूज करने का जो तरीका है वो हम गलत करते हैं, इसीलिए द कॉस्ट अराइव्ड एट बाय कॉस्ट सिस्टम इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो गलत निर्णय है वो कई बार हमें प्रतिकूल असर यानी प्रतिकूल इफेक्ट देता है। सो स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखा है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में देखेंगे।